हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है टेस्टी तड़का में। आज हम बनाएंगे पनीर माखनी। पनीर माखनी या पनीर बटर मसाला बड़ी ही रिच होती है और क्रीमी टेक्सचर होता है, खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है और बच्चों की तो फेवरेट होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इसको और नोट करते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पर पनीर लिया है मैंने 200 ग्राम, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। टमाटर ले लिए हैं मैंने 6 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। 7 से 8 कलियां लहसुन की ली हैं मैंने। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। 18 से 20 काजू लिए हैं मैंने। काजू इस ग्रेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, सो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। 4 बड़े चम्मच मक्खन के लिए हैं मैंने। क्रीम ले ली है मैंने 2 बड़े चम्मच, ये अमूल की फ्रेश क्रीम ली है मैंने, आप घर की फिटी हुई मलाई भी ले सकते हैं चाहें तो। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का लिया है मैंने यहाँ पर, और साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर आएगा ग्रेवी में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। साथ में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, जो कि मैं बटर को बर्न होने से बचाने के लिए साथ में डालूंगी। थोड़े से मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 4-5 लौंग ले ली है। इसके अलावा सूखे मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे हम, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक का। नमक आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर माखनी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और गैस को हाई फ्लेम पे ऑन कर लिया है। पैन में अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारा बटर बर्न ना हो। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच बटर के डाल दूंगी। अब हम इसमें काजू ऐड कर देंगे, साथ ही साथ हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। दोस्तों, अब हम लहसुन अदरक और काजू को लगभग 2 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक लगभग 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को भूनते समय हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। दोस्तों, प्याज को भूनते हुए हमें लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर देखिए कितना बढ़िया हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी अब हम 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम पर ही रखेंगे और टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, इस ग्रेवी में प्याज और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो डाल भी सकते हैं। यहाँ मैंने डाल के बताया है, आप चाहें तो ना डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट वैसे भी बड़ा अच्छा आएगा। टमाटर अब भून चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में पलट लेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको बहुत ही बारीक पीसना है हमें दोस्तों। दोस्तों, ये देखिए मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसके बाद मैं मिक्सी के जार में इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पीसने पर कई बार ये स्प्लैश भी हो जाता है। इसको बहुत ही बारीक पीसना है, जितना बारीक पीसेंगे हमारी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना बारीक पीसा है। दोस्तों, वापस से अब हम अपना वही पैन ले लेंगे जिसमें हमने प्याज और टमाटर को भूना था। उस पैन में हमने बटर डाला था, इसलिए हम वापस से उसी पैन को यूज करेंगे। पनीर माखनी या पनीर बटर मसाला एक ऐसी डिश है जिसको हम एक वन पैन डिश भी बोलते हैं, एक पैन में ही इसको हम बना सकते हैं। तो हम इसी पैन को वापस से हीट करेंगे। दोस्तों, पैन अब गर्म हो गया है और अब हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे। बचे हुए 2 चम्मच बटर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ अब इसमें मैं धनिया पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, नमक और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी।
इसको एक हल्का सा स्टर कर देंगे हम, हल्का सा मिक्स कर देंगे इन मसालों को, और साथ में जो हमने पेस्ट बनाया है उसको छन्नी से पास करके हम कढ़ाई में ऐड करेंगे, ताकि जो कुछ भी छोटा मोटा रह गया हो पार्टिकल टमाटर और प्याज का, वो अच्छे से पिस जाए और हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ आए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो हमारी ग्रेवी दरदरी बनेगी और बिल्कुल भी माखनी टेक्सचर नहीं आएगा इसका। इसलिए दोस्तों इसको छन्नी से ज़रूर पास करें। दोस्तों इसको अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसको ढककर लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। इसको हम जितना अच्छा पकाएंगे ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, इसलिए इस स्टेप में हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों मुझे इसको ढककर पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आधा कप के जितना पानी ऐड कर दूंगी और हल्का सा मिक्स कर लूंगी। इसको हम एक अच्छा बॉयल आने देंगे। पानी में दोस्तों एक अच्छा बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर को ऐड करूंगी, और मिल्क पाउडर को ऐड करने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। दोस्तों मिल्क पाउडर डालने से एक तो रिच और क्रीमी टेक्सचर आएगा ग्रेवी में, और साथ ही वो जो हल्की मिठास होती है माखनी ग्रेवी में वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। इसमें हमें ऊपर से मीठा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मिल्क पाउडर अच्छे से ऐड हो गया है। अब मैं इसमें पनीर को डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद दोस्तों एक बात का खास ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पनीर रबरी हो जाता है, च्यूई हो जाता है। तो दोस्तों मैंने पनीर को ऐड कर दिया है ग्रेवी में। मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के साथ ही साथ इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ी सी क्रीम दोस्तों सेव कर लूंगी गार्निशिंग के लिए। साथ ही साथ अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, और कसूरी मेथी डालने के बाद से ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब ये रेडी है हमारी पनीर माखनी। अब हम इसको एक सर्विंग डिश में डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसका, और मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, और जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाएं, और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। एंड आई एम श्योर कि आप इसके बाद हमेशा पनीर माखनी या पनीर मटर मसाला इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ टेस्टी तड़का पर। तब तक ईट टेस्टी, स्टे हेल्दी।